फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं। मेरी बहन की जो रसोई में है वो उसका हिसाब कौन देगा? तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारी कंप्लेन से ज्यादा मेरी बहन के इमोशन चल रहे हैं। मैं कंप्लेन कर रही हूँ। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। Are you listening to yourself or not? मेरी बहन का निकाह टूटा है, धोखा हुआ है हमारे साथ, गॉड डैम इट। और तुम्हें सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरे भाई ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तेज दर्जे में बात की है, कौन देगा इसका हिसाब? हुरैम बिनत महमूद, आपका निकाह कादिर इब्न कासिम का लिबाज के साथ हक मेहर बाईवस 25,000 रुपये सिक्का राजलवा किया जाता है। क्या आपका निकाह कबूल है? जो कुछ मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर हम पे जो इल्जाम लगाया गया वो तो सरासर ज्यादती है, और मैं ज्यादती के सामने खामोश खड़े रहने वालों में से नहीं। और जो ज्यादती तुम मेरी बेटी के साथ करने चली थी वो उसका हिसाब कौन देगा? ऐसी बातें कर रही हूं मैं, जान पूछ के सब क्यों करूंगी अमीरा के साथ? मैं दुश्मन हूं क्या उसकी? तुम दुश्मन से कम भी नहीं हो। आप ज्यादती कर रही हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह है मीरा। वो नंद है तुम्हारी, बहन नहीं है। और तुम इस घर में अपनी नंद खल रही थी तो तुमने सोचा कि उससे जल्द से जल्द जान कैसे छुड़वाऊं? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक भाभी ने अपनी नंद से जान छुड़वाने के लिए उसका रिश्ता अपने किसी पुराने आशिक के साथ तय करवा दिया।
गुरु मैम सॉरी। कादर प्लीज, हम इस वक्त ऑफिस में हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो गुरु, मैं चारों तरफ से प्रेशराइज था। मैंने तुमसे कोई शिकायत की तो कर लेती। उसे झगड़ लेती, लड़ लेती, किसी के मैंने गलत किया, लेकिन इस तरह घर तो नहीं छोड़ के जाते। ये जगह मुनासिब नहीं इन सब बातों के लिए। पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कल रात मेरी कितनी हैसियत में गुजरी है। कादर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुमने जो करना था वो तुमने किया। उसके बाद मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। पूरा मैं जानता हूं कि मैंने जो किया ठीक नहीं किया, गलत किया, और मैं शर्मिंदा हूं। कादर प्लीज, पूरम, पूरम, चले जाती हूँ। क्या कह रही हो? जा रही हूँ। जहां भरोसा ना बचे वहां वहां रहने का कोई फायदा नहीं होता। पता है, मैं हमेशा से जानती थी कि लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन तुम्हारा भरोसा मुझसे इतनी जल्दी उठ जाएगा सोच भी नहीं सकती थी।